हाय एवरीवन, सो आज हम जा रहे हैं, एक मेरा फेवरेट कपल है, मतलब मेरी बहन भारती, उसके पॉडकास्ट के लिए. सो लेट्स देखते हैं, तो देखते हैं आज क्या बातें होती हैं, मज़े करेंगे. ठीक है, और मुझे पता है कि भारती हमेशा किल करती है हर शो में. ओए, ये निकाले नहीं साइकिल अभी तक यहाँ से. मैंने तुम्हें बोला कि उसको फ़ोन कर दो, वो ऊपर आ जाए. तुम उसको फ़ोन कर रहे हो, बेसमेंट में तुम्हारे अब्बा जी ने नेटवर्क लगवाए हैं, मुझे इतना बताओ. कॉमन सेंस की बात है बेटा, ये इसमें कोई साइंस नहीं है. बताओ, अब यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे तब लगाइयो. क्या भाग के नीचे और चाबी लेके आया, गाड़ी रखनी है. एयरपोर्ट के अंदर घुस गया था, मशीन के अंदर नहीं घुस रहा होगा. एयरपोर्ट में तो साले जानवर भी घुस जाते हैं. हाँ, तो ये बोलना सिक्योरिटी में नहीं घुस रहा था. एयरपोर्ट में तो तुम्हारे जानवर भी घुस जाते हैं. पता ही है ना यार कि मैं भी भारती के पॉडकास्ट में जा रहा हूँ, तो पीछे देख लो एक लड़का आया, क्या बन के आया है ये. इसको पता नहीं क्या लगता है कि ओ हो क्लियर, ये मैन, ये भाइयों, मैं आपको आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं आपको क्या क्या दिखाता रहता हूँ, तो मेरी किस्मत में यही लोग हैं. कोई बात नहीं भाई, सॉरी यार अब मैं क्या करूँ. हाँ, देख पता लगे ना क्या नहीं करना गाइस, जिंदगी में मत करना. अब वर्कआउट रातों करेंगे ना, अभी तो मेरा पॉडकास्ट है ना, तो लगता है इतना तैयार हो गया वर्कआउट करने जाऊँगा. मैं साला कभी किसी की पार्टी में जाने के लिए इतना तैयार ना हूँ, मैं तो उसमें भी टोपी पहन के निकल लेता हूँ. मुझे तैयार होकर ऐसे लगता है, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया अच्छा लग रहा हूँ. क्या बात है, अपनी तारीफ खुद. चलो गाइस, मिलते हैं भारती के वहाँ. सुंदर मैं आऊंगा, बस आपने पतली दिखाना मुझे, ठीक है, बाकी काम मुझे मिल जाएगा. कैसे हो आप? बहुत बढ़िया. कितना ब्रिज कितनी कैसी? मैं कल चंडीगढ़ से, मैं डब सीलिंग में हम चले जा रहे हैं शो आज के लिए. गाना शुरू कर दिया यार आपने. ओ यार, वो गाना बड़ा अच्छा सी, मेरे मुंह पे भी चढ़िया सी. जट, हां अच्छा, जितने पर जितने पूरे पहुंच गया जट. हां बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था. मुंह चढ़ो मुन्ना भैया, ब्लैक कॉफी कैंसल, क्योंकि ब्लैक कॉफी पीते हैं बैंडर साइड. ये बोला हाउ स्वीट यार प्रिंस,
ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਯਾਰ ਆ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੂ ਜੋ ਸ਼ੋਜ਼ ਆਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇਖਦੀ ਓਹ ਆ ਦੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਸੱਚੀ ਜੀ ਨੂਰ ਤੇਰੀ ਈਦ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਸਵੀਟ ਯਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਦੋਸਤੋ नूर की ईद हो गई ईद मुबारक नूर क्या गिफ्ट नहीं देना पड़ेगा गिफ्ट देना पड़ेगा नूर ने मुझे दो ही बंदों के लिए बोला है पहली बार जब हम बिग बॉस में जाते रहते हैं तो सलमान भाई के साथ करा दो आज माइक लगा के थी मैं क्या हाँ प्रिंस अरे नहीं पक्का बिरयानी खिलाऊंगी मैं बनाते बनाते क्यों नहीं ट्रैवल इना फट जाती है सुता रह जाता कहता मैं इतना नहीं घूम सकता लेकिन हम वापिस गए नहीं हमने इधर ही घर बना लिए लेकिन सच में यार पंजाबी बड़े मेहनती होंगे और गुजराती मैंने भी देखा दिमाग वाले होते हैं वो बैठ के काम कराएंगे हेलो आप पंजाबी आप ही चौक के ले जाते हैं वो वाले वेरी गुड पॉडकास्ट हो चुका गाइस बहुत मजा आया बहुत सारी बातें हुई कुछ इमोशनल बातें हुई कुछ फनी बातें हुई जहाँ भारतीय जहाँ पे फन तो हो गई और कुछ सीरियस बातें हुई और वहाँ पर हमने एक खुलासा भी किया जो हम शुरू करने वाले हैं एक चैलेंज तो जहाँ भारती का और हर्ष का पॉडकास्ट देखेंगे आपको मजा आएगा और बहुत मज़ा आया यार बहुत मज़ा आया मेरे को लगा ही नहीं पॉडकास्ट में ये था कि मेरी बहन मिल गई है मेरे को पंजाबी बने मैं बस दिल की बात कर रहा हूँ जो पूछ रहे हैं बस उसका आंसर दे जा रहा हूँ इट्स नॉट लाइक अ पॉडकास्ट इट्स जस्ट अ नॉर्मल टॉक और हमारी चीज़ें वैसी हो जाती हैं यार हम बहुत ऑर्गेनिक बात करते हैं तो मज़ा आता है थैंक यू एंड लव यू गाइस लव यू गाइस अभी हम वर्कआउट मिलते हैं अभी वर्कआउट सीधा वर्कआउट करें Hi guys, what's up? कैमरा बेशक मेरे लेफ्ट में मैं आपके नज़रों से नज़र नहीं मिला पाऊँगा अभी हम आ गए हैं पॉडकास्ट से सीधा वर्कआउट करने मेरे साथ हैं हमारे कोच इरफान सर बहुत बढ़िया महक बहुत अच्छी रही मतलब बहुत अच्छा इन्होंने परफ्यूम यूज़ किया हुआ है